हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड और डीएलएड इंटरव्यू की हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या पूछा गया था लास्ट ईयर। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो जामिया में अभी पढ़ रहे हैं, और उन्होंने जामिया का डीएलएड का भी और बीएड का दोनों का इंटरव्यू दिया और दोनों में उनको सफलता भी मिली। तो हम सबसे पहले जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन और उनके बारे में कि उन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे दिया था, और उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे रहा था। तो हमारा आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं नेम अरबाज खान, और जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हम कुछ ऐसे स्टार्ट करेंगे कि पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, गुड मॉर्निंग विश करने के बाद, गुड आफ्टरनून विश करने के बाद, तो हम ऐसे शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, आपका जो नाम हो। फिर इसके बाद हम उन्हें बताएंगे कि माई माई फादर नेम इज, एंड आई हैव परस्यूड माई ग्रेजुएशन, और आई एम परस्यूइंग माई एमए। अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ बताएंगे आपको। फिर आपको अपनी हॉबीज बतानी है कि दैट आई लाइक टू प्ले क्रिकेट और समथिंग इन इन माई स्पेयर टाइम। और बट हमें हॉबीज ऐसी रखनी है या चीज़ें ऐसी ऐड करनी है जिसके बारे में हम उन्हें बता पाएं, क्योंकि हमारे आंसर से ही उनके क्वेश्चन पुटअप होने हैं। क्यों, जो हम बोलेंगे वो उसी से क्वेश्चन बनाएंगे, और फिर उसी क्वेश्चन को हमें आंसर करना होगा। सो हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना है कि हम जो आंसर कर रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन में उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और हमें बेसिक इंट्रोडक्शन देना है, हमें ये नहीं बताना कि हमारे फैमिली में इतने लोग हैं और ये है, ये करते हैं, वो करते हैं। हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि हमारा नाम क्या है, हम ग्रीटिंग करेंगे, हमारा नाम क्या है, हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हमारी हॉबीज क्या है, और हम कहाँ से हैं, कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, बस इतना बताना है। फिर इसके बाद हमें वो हमसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे आप। मीन्स आपको दोस्तों इंटरव्यू में बहुत बेसिक डिटेल्स आपको देनी है, और बेसिक डिटेल्स के बाद आपको जो अगर हॉबी आप उसमें एडअप करेंगे, तो हॉबी में आपको ऐसी चीजें एडअप करेंगे वहां पर जो आपको जिसके बारे में पहले से नॉलेज हो। ऐसी कोई हॉबी नहीं बतानी है कि मान के चले मुझे क्रिकेट का, मान के चले एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि मुझे क्रिकेट का शौक है, तो वहां पर क्रिकेट अगर मैं वहां पर बोल रहा हूँ तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिया कब जीता वर्ल्ड कप, कौन कैप्टन थे, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप कब हुआ था, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है। ये सब चीजें एग्जाम्पल के तौर पे कोई किसी को पढ़ने का या लिखने का शौक है, लिटरेचर पढ़ने का शौक है, तो लिटरेचर के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, लास्ट टाइम उसने कौन सा लिटरेचर पढ़ा है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, समरी वो 1 मिनट में बता सके, ऐसी चीज वहां पर एक्सप्लेन वहां पर वो कर सके 1 मिनट के अंदर वो लिटरेचर को। तो ये सारी चीजें वहां पर आपसे जरूर पूछी जाती है, इंट्रोडक्शन से ही आपके क्वेश्चन पुटअप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम आपसे जानेंगे कि आपका पैडागोजी सब्जेक्ट क्या रहे हैं बीएड के अंदर। एक्चुअली मैंने दोनों इंटरव्यू दिए थे, डीएलएड का भी दिया था एग्जाम और बीएड का भी दिया था। तो पहले मैं डीएलएड की बात करता हूँ, तो डीएलएड में जब मैं गया तो मुझसे 6 to 8 साइंस और मैथ्स के ही क्वेश्चन पुट अप हुए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन थे और न्यूटन्स लॉ के रिगार्डिंग छोटे छोटे क्वेश्चन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे, जब मैं जाके बैठा तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप जब अंदर आए तो आपने न्यूटन्स लॉ कहाँ पे यूज़ किया और कौन सा लॉ यूज़ किया। तो अब मुझे ये बताना था कि, क्योंकि मैं जब चलकर आ रहा था तो मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई किया, क्योंकि मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ जमीन की तरफ तो जमीन भी मेरी तरफ फोर्स लगा रही है, तो इस तरह न्यूटन्स थर्ड लॉ वहाँ पे अप्लाई हुआ। तो बस वो चेक करना चाह रहे थे कि बेसिक इंफॉर्मेशन है कि नहीं। तो और अगर मैं बीएड की आपसे बात करूँ तो तो आपका जो बीएड और डीएलएड के अंदर यानी कि साइंस स्ट्रीम में शायद आपने फॉर्म फिलअप किया था, जी, तो साइंस आपके बीएड के अंदर दो पैडागोजी सब्जेक्ट हैं वो क्या हैं आपके? मेरे मेरा फर्स्ट पैडागॉजी है मैथमेटिक्स, एंड सेकंड है फिजिक्स। और मीडियम क्या रहा है आपका, अभी मीडियम क्या है आपका? मेरा हिंदी मीडियम था, और जामिया में 3 मीडियम्स होते हैं और उन्हीं के हिसाब से कट ऑफ लाई करती है आपकी। इंग्लिश मीडियम में कट ऑफ थोड़ी ज्यादा हाई जाती है, हिंदी मीडियम में हाँ मॉडरेट रहती है, और उर्दू मीडियम में सबसे कम, यानी कि जो उर्दू मीडियम होता है उसमें कट ऑफ हिंदी और इंग्लिश के कंपैरिजन में काफी लो जाती है, तो हाँ आप ये कह सकते हैं उससे दोस्तों। कम होता है। बाकी आप इंटरव्यू की वीडियो, जो आपकी कट ऑफ की वीडियो है वो हमने लास्ट ईयर की भी अपलोड की हुई है और इस साल की भी बना दी है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि इंटरव्यू वाले दिन जब आप डीएलएड और बीएड दोनों का इंटरव्यू अलग अलग डेज में था, तो आपने दोनों को फेस किया, तो आपको पैडागोजी
पहले आपका कौन सा इंटरव्यू हुआ था? डीएलएड का पहले इंटरव्यू हो गया था या बीएड का पहले हो गया था? एक्चुअली मेरा डीलेट तो हो गया था फर्स्ट इंटरव्यू, और उसके एक्सपीरियंसेस में एक्सपीरियंस से मैंने अपना बीएड का इंटरव्यू अच्छा कर लिया। अच्छा, तो क्या आपको डीएलएड के बेसिस पर आपको वहां पर लग रहा था कि आपके चांसेस है, और बीएड के बाद आप कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, डीलेट का इंटरव्यू देने दिया था मैंने, तो जो नर्वसनेस थी वो कम हो गई थी मेरी। और फिर जब मैं बीएड के लिए गया था तो मैंने पहले देख रखा था कि पैनल्स में ऐसे बुलाया जाता है कि दो लोगों को बुलाया जाता है, एक लड़का या एक लड़की, या तो दो सेम सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, फिर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तो चीज़ से मैं पहले अवेयर था। ओके, आप पहले से ही डीएलएड ने आप क्योंकि आपने फेस कर लिया था डीएलएड को, इसलिए आप पहले से अवेयर थे कि आपको कैसे और किस सिचुएशन से हैंडल करना है। तो हम जानेंगे कि आपने जब आप इंटरव्यू पैनल में गए, पूरी स्टोरी थोड़ा सा आपने बेसिक बता दिया है जैसे डीएलएड का आपने बताया, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने पहले स्टार्टिंग से यानी कि डीएलएड के इंटरव्यू से आप कब पहुंचे कॉलेज, और कैसे उसके बाद का जो प्रोसेस है इंटरव्यू के निकलने तक का, वो आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। डीएलएड और बीएड दोनों का एक्सपीरियंस आप बताइए। हाँ, तो हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करके जाने होंगे वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे आपको शॉप ना पता हो क्योंकि आप बाहर से होंगे, और इसलिए आपको पहले से डॉक्यूमेंट्स अपने सारे रेडी करके जाने हैं। उनकी दो फोटो कॉपीज बना लेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा बेटर होगा सारे डॉक्यूमेंट्स की। और फिर इसके बाद जब आप इंस्टीट्यूट पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटो कॉपी ले ली जाएगी पूरी पूरी, और फिर इसके बाद आपको नंबर बाय नंबर एक एक करके बुलाया जाएगा, और उसमें दो दो लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू इंटरव्यू पैनल में। और इंटरव्यू पैनल में जो प्रोफेसर होते हैं वो पांच होते हैं या छह होते हैं, वो लाई करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेसर कितने। तो अगर आप जैसे अंदर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आपको कॉल किया गया है, तो अगर आपके हाथ में फाइल है तो आई विल सजेस्ट दैट यू शुड हैंड इट ऑन योर लेफ्ट हैंड, आपको उसको लेफ्ट हैंड में होल्ड करना चाहिए, जिससे कि आप जब डोर ओपन करेंगे तो राइट से तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, और थोड़ा सा ओपन करने के बाद आप उनसे परमिशन ले लें कि मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैम। तो फिर इसके बाद आप जाकर और उस अंदर घुसने से पहले वो जो दरवाज़ा आपने ओपन किया था उसको बंद कर दें धीरे से, क्योंकि वो लोग ये भी देखते हैं कि आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया या बंद करके आए हैं, तो इसके हिसाब से भी आपको जज किया जा सकता है। फिर आपको बैठने से पहले उनसे परमिशन लेनी होगी कि मैं सेट है, तो उससे भी आपका थोड़ा सा गेस्चर शो होता है वहाँ पे कि आप कैसे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर जब वो आपको बैठने के लिए कह देंगे तो फिर आप बैठ जाइए, फिर नॉर्मली आप लोगों से दोनों दो लोग होते हैं क्योंकि अंदर, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आपके सब्जेक्ट से जैसे अगर आप डीएलएड में हैं तो वो आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे साइंस के या मैथमेटिक्स के छोटे छोटे, और अगर आप बीएड के लिए जा रहे हैं तो वो आपके पैडागॉजी पैडागॉजिकल नॉलेज आपका चेक करते हैं, जो कि आपकी दो पैडागॉजीज होती हैं। जैसे मेरा मैथमेटिक्स था तो मुझसे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछा गया था, और किसने दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पूछ लिया गया था इसमें, और दिया भी पाइथागोरस नहीं था तो वो मैंने बताया। और फिर इसके बाद फिजिक्स में मुझसे क्वेश्चन चार पांच पुट अप हुए, जो साउंड के थे, न्यूटन्स लॉ के थे, और इसी तरह के दो दो तीन टॉपिक्स थे उनके थे, जैसे हीट के भी थे, तो इस तरह के क्वेश्चन पुट अप किए गए थे, मोशन के भी कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। तो ये ड्यूरिंग द ये आपके जो साइंस के जो क्वेश्चन पुट अप किए गए, आपसे बीएड में पूछे गए या डीएलएड में पूछे गए? साइंस के जनरल क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो डीएलएड में पूछे गए थे, और जब बीएड के लिए अंदर गया तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के पर्टिकुलरली क्वेश्चन मुझसे पूछे गए क्योंकि वो मेरी पैडागोजी थी। मींस दोस्तों, जो आपकी दो पैडागोजी आपसे चूज कराई गई है, उनसे क्वेश्चन वहां पे आपसे पुट अप किए जा सकते हैं। दोनों ही पार्ट से आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। जो आपका मेन पैडागोजी सब्जेक्ट है, जैसे अरबाज खान का पहला मेन पैडागोजी सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स है, तो उनसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो पुट अप होने ही है। साथ में उनसे दूसरा जो पैडागोजी सब्जेक्ट है, जैसे इनका फिजिक्स है, तो फिजिक्स से भी इनके क्वेश्चन वहां पे पुट अप हुए हैं। दूसरी चीज हम ये जानेंगे अब आपसे कि वो अगर क्वेश्चन आपको याद है
जो मैथमेटिक्स में आपसे पर्टिकुलर पूछे गए हैं, जैसे आपने बताया ट्रिग्नोमेट्री से आपसे क्वेश्चन पुट अप किया गया, कुछ और क्वेश्चन जो आपके पार्टनर से, जो आपने बताया पेयर्स में आप गए थे, अगर वो याद है तो आप वो भी शेयर कीजिए, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट है उनको कुछ क्वेश्चन कम से कम एक बेसिक आइडिया, उनको नॉलेज मिल सके कि क्या क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जाते हैं। हाँ मुझे याद है, मोशन से मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ कैन यू जज दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन और इन मोशन। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, तो जिसका मैंने आंसर किया था। और आप पूछा गया था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था हीट से रिलेटेड पूछा गया था, हीट चैप्टर से पूछा गया था। और मैथमेटिक्स में मुझसे एक फॉर्मूला पूछ लिया गया था, और ट्रिग्नोमेट्री से एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पर्टिकुलरली इसका मतलब यह है कि आपने टॉपिक्स बता दिए हैं कि ये टॉपिक्स कम से कम आप प्रिपेयर करके जाए, हाँ मुझसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आप बता दें तो कम से कम उनको बच्चे अवेयर हो जाएं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से डायरेक्टली पूछे गए थे या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ डायरेक्टली क्वेश्चन ये था मुझसे कि आप बताइए कि एक पेंसिल अगर रखी है तो वो मोशन में है या तो रेस्ट में है, तो उसको आप कैसे बताओगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही था। और मुझसे पाइथागोरस थ्योरम पूछ ली गई थी, जो कि मैंने बताया था, आंसर किया था। वैसे वो क्लास 8 का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, तो आप बता सकते हैं। और मुझसे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पूछ ली गई थी, ये बता दिया था मैंने। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप, वेट क्वेश्चंस आप रेडी करके जाएं तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज हम आपसे ये जानेंगे कि किसी क्वेश्चन में आप क्या कंफ्यूज हुए थे या कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपको नहीं आ रहा था, तो उस सिचुएशन से आपने अपने आप को किस तरीके से निकाला था और या किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया था वहां पर। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, तो नर्वसनेस थी, तो एक क्वेश्चन में मैं स्टक हुआ था। तो मैंने सिंपली उनको नो कहा था और सॉरी कहा था कि आई डोंट रिकॉल राइट नाउ, और अभी सर मैं याद नहीं कर पा रहा, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। तो बस उन्होंने यहाँ वहीं पे बात खत्म कर दी थी। बट जब मैंने एक फ्रेंड से पूछा कि जब तुम फंसे तो क्या क्या आंसर किया, तो उसने बताया कि जब उसने कुछ आंसर को लॉन्ग किया तो उसमें से भी क्वेश्चंस खड़े होने लगे। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप गलत आंसर ना करें, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो मींस दोस्तों क्लियर अरबाज खान ने बता दिया है कि आप गलत आंसर करने से बिल्कुल बचे। अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो आप वो जरूर बता दें वहां तक जहां तक आपको सही मालूम है। अगर बिल्कुल नहीं सही आता है तो मालूम आप बिल्कुल आप उसको नकार दें कि सॉरी मैम या सॉरी सर। अगर जो भी क्वेश्चन पूछा है, अगर मैम पूछ रही है तो मैम को आंसर कर दें, अगर सर ने पूछा है तो सर को आंसर कर दें कि सॉरी मैम सॉरी सर मुझे अभी इसका आंसर नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इस इससे तरीके से इससे आपको आपका करना गलत बेहतर। इंप्रेशन नहीं जाएगा उनपे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बेसिकली आपने बताया कि आपके इंटरव्यू पैनल में 5 से 6 लोग वहां पर अवेलेबल थे, तो क्या सभी ने आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे या सिर्फ 2 3 टीचर्स ने ही आपसे क्वेश्चन पुटअप किए थे। 2 या 3 प्रोफेसर ने ही मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, और बाकी सारे जज कर रहे थे कि व्हेन आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ आई एम बिहेविंग और हाउ माय हैंड्स और लेग्स आर शेकिंग और नॉट। वो चेक कर रहे थे कि मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, मैं कैसा मूवमेंट्स कर रहा हूँ, या मेरे शेकिंग तो नहीं हो रही बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। आई कॉन्टेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, अगर आप आंसर कर रहे हैं जिनको तो उनकी तरफ देखिए और सारी तरफ ना देखिए, तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट्स बताया कि आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर करते हुए जिसने क्वेश्चन पुटअप किया है क्या उसी की तरफ आंसर करना या सभी की तरफ आपने अपनी आई कांटेक्ट। मोस्टली आपको उन्हीं को आंसर करना है, और बाकियों की तरफ भी थोड़ा देखना है। ऐसा नहीं कि पूरे सभी को इग्नोर कर देंगे, हम देखेंगे उनकी तरफ भी देखेंगे, बट मोस्टली उनके आंसर का जवाब देंगे उन्हीं को। मीन्स आपको आंसर तो करना उन्हीं को है जिन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है, लेकिन पूरे टाइम उन्हीं को आंसर करते टाइम नहीं देखें, कम से कम थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करें अपनी हाँ इससे टीचर से भी आई आई कांटेक्ट कांटेक्ट। अच्छा होता है। ओके, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो आपने की थी, क्योंकि आपने डीएलएड का भी इंटरव्यू फेस किया और बीएड का भी इंटरव्यू फेस कर लिया और दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम आया,
तो क्या कैसे आपने मतलब अपने आपको प्रिपेयर किया था, किस तरीके से आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी, या कोई सोर्सेज आपने फाइंड किए थे, वो थोड़ा सा आप मुझे डिटेल में बताइए। एक्चुअली मैंने गूगल से भी देखा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन हम कैसे दे सकते हैं, और दूसरा अच्छी बात यह भी है कि मैंने यूट्यूब में जब वीडियोस देखे थे तो सेंटर स्टडी का भी देखा था वीडियो, एक एक दो वीडियोस मैंने सेंटर स्टडी के भी देखे थे जो पुराने पड़े थे लॉकडाउन के पहले के, लॉकडाउन के टाइम के, तो मैंने उससे भी देखा था, उससे भी मुझे हेल्प हुई थी, और थैंक यू। चलिए, तो बेसिकली इंटरव्यू के लिए कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स रहा है तो आपने फोकस उसी चीज पर किया होगा, तो थोड़ा सा ये डिटेल में बता दीजिए कि कहाँ से किस तरीके से हमें इंटरव्यू के लिए जो पैडागोजी नॉलेज है वो कहाँ से करनी चाहिए। तो अगर मैं पहले डीलेट की बात करूं तो आपको 6 to 8 साइंस जनरल पढ़ लेनी है और मैथ्स पढ़ लेनी है। 6 to 8 पढ़ के जाएंगे आप सफिशियंट सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे आप। और अगर मैं बीएड की बात करूं, क्योंकि आप एक ग्रेजुएशन करके जाने वाले एक टू बी टीचर हैं, तो आपको कम से कम 12th तक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पेडागॉजी का। तो आप 12th तक का अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये आपने बता दिया है, जो भी आपका पैडागोजी सब्जेक्ट है एटलीस्ट 6 to 8 आपका डीएलएड के लिए, अगर आप डीएलएड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, और बीएड के लिए आप कम से कम 12th तक का वहां पर जरूर देख के जाए। बेसिकली वो बेसिक नॉलेज ज्यादा चेक करते हैं, डीप में ज्यादा इतना नहीं जाते हैं, तो आप जो हाँ बस बेसिक मैं कॉन्सेप्ट है उनको जरूर पढ़ के जाए। और क्या कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा पुटअप हुआ था कि आप क्या पढ़कर आए हैं? हाँ मुझसे ये पूछा गया था, मैंने बताया था कि मोशन, उन्होंने पूछा था कि आप अपना फेवरेट टॉपिक बता दें, तो मैंने बताया था मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री बता दिया था उन्हें, तो उन्होंने मुझसे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक दो फॉर्मूलाज पूछ लिए थे, तो वो मैंने आंसर किया था। मुझसे पूछ लिया गया था sin 2 थीटा का फॉर्मूला पूछ लिया गया था, तो वो मैंने आंसर किया था, और ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम पूछ ली गई थी मुझसे, तो वो मैंने आंसर किया था, मीन्स और आपसे फिजिक्स जो में मो जी जो आपसे पूछा गया कि आप फेवरेट टॉपिक बता दें, या आप क्या पढ़कर आए हैं, तो उन्हीं वहीं से आपसे वहीं से आपका इंटरव्यू चला है, वहीं से आपसे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। हाँ हमें वही बताना चाहिए जो हमको अच्छे से रेडी हो, क्योंकि हम आंसर कर पाए ना, तो अगर हम उनको ये बता रहे हैं कि हमारा ये टॉपिक अच्छा है और अगर हम उसी में आंसर नहीं कर पाएंगे तो ये गलत इंप्रेशन जाएगा उनका, और फिर आपके वहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस वहां डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में डिग्री बहुत होगी। कम मार्क्स भी मिलते हैं। 30 नंबर का इंटरव्यू होता है आपका, 30 में से एवरेज जो इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो 15 to 20 लाई करते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन जो लो कैटेगरी के जो मार्क्स हैं वो 3, 4, 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं इंटरव्यू में। और मैक्सिमम मार्क्स जो अभी तक हमें मालूम चले हैं वो 27 से 28 मार्क्स तक वेरी किए हैं, यानी कि 27 से 28 मार्क्स तक भी मिले हैं, वो अलग सब्जेक्ट्स की हम यानी कि अलग अलग इंटरव्यू की बात चलती है कि किस तरीके से उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कैसा गया उनका, तो वो अलग चीज है। अच्छा, इंटरव्यू वाले दिन आप डीएलएड और बीएड के अंदर क्या ड्रेस आप पहन के गए थे, क्या मतलब ड्रेस कोड आपका क्या था, और बाकी स्टूडेंट्स जो आपके साथी थे जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे उनका ड्रेस कोड क्या रहा था? अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो हिजाब या सूट प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और बॉयज़ की बात करें तो उनको फॉर्मल्स में जाना बेटर बेटर होगा, क्योंकि जीन्स अवॉइड करना चाहिए उनको, फंकी क्लॉथ अवॉइड करनी चाहिए यहाँ पे। तो आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एक प्रोफेशनल टीचर की तरह, टू बी टीचर की तरह बिहेव करना चाहिए। तो मीन्स क्लियरली बता दिया अरबाज खान ने कि आपको एक फॉर्मल ड्रेस में आपको जाना है, तो आप बेहतर लगेंगे, मतलब आपका जो इम्प्रेशन लगेगा वो बेहतर जाएगा। हालांकि आप पहन के कुछ भी जा सकते हैं, लेकिन एक डिसेंट जिसको हम ड्रेस कहते हैं, क्योंकि आप बीएड के अंदर जा रहे हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स है और टीचिंग एक प्रोफेशनल है कोर्स है, आपका पेशा भी है, तो आप एक प्रोफेशनल लगने भी चाहिए बाय आपका बाय क्लोथ या बाय आपका टॉकिंग या जो भी आप बिहेव करें वो एक प्रोफेशनली आप बिहेव करें। अभी तक आपका एक एक साल हो गया है, तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ जर्नी रही है बीएड की वो किस तरीके की रही है, और क्या आपको यहाँ पर
न्यू चैलेंजेस मिले, और क्या कैसा आपको, यानी कि बीएड जामिया का आपको कैसा लगा? अगर जामिया की बात करें तो जामिया का बीएड आपको एक अलग एक्सपीरियंस देगा, पूरी तरीके से डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपका अगर आप इंडिया में कहीं और से करेंगे और जामिया से करेंगे। क्योंकि जामिया में आपको आपका ओवरऑल डेवलपमेंट एक तरीके से किया जाता है कि आपको पूरी तरीके से ऐसा बना देंगे कि आप एक अच्छे टीचर बन पाए, उस पर आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस हो, इनहेंस करने का पूरा उनका काम रहता है। क्योंकि वो आपको एनएसएस और कई सारी एक्टिविटीज ऐसी कराते हैं जिसमें आप सिंगिंग, ड्रामा, ये सारी चीजें सीखते हैं, जो कि अगर आपको पता है तो आप अपनी क्लास को इंटरटेनमेंट बना सकते हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक बोरिंग सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा पाता है। सो आई थिंक इसलिए ये डिफरेंट बनाता है, क्योंकि अदर इंस्टीट्यूट्स में आप ये देखते हैं कि बस आपको पेडागॉजी पढ़ा देंगे और आपको लेसन प्लान बनाना बता देंगे, बस हो गया, उनका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। बट जामिया को डिफरेंट यही बनाता है कि वो अलग तरीके से और अलग सोच के साथ बढ़ता है और अपने टीचर्स को रेडी करता मीन्स जामिया का जो बीएड है दोस्तों, वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड, हम कह सकते हैं पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट कराता है टीचर, कैसे पूरा जो टीचर्स की क्वालिटीज है, जो एनसीएफ कहता है, या आप कह सकते हैं जो टीचर्स में जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारी आप जामिया में अगर आप पढ़ेंगे तो जामिया से वो क्वालिटीज आपके अंदर निखर के आएंगी, और टीचर्स आपके साथ उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी स्टूडेंट्स मेहनत करता है अपने पास से। तो टीचर्स भी वहाँ कोऑपरेटिव हैं और काफी मेहनत भी करते हैं बच्चों के साथ। तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जाने से पहले, कि इंटरव्यू के वो कुछ टिप्स जो हर इंटरव्यूअर से हम जानते हैं, जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपने शेयर कर रहा है, कि वो कुछ ऐसे टिप्स बता दे जिससे आने वाले जो स्टूडेंट हैं, जिन जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या इंटरव्यू अपना अभी देंगे, उनके लिए वो कुछ हेल्प हो जाए। जैसे आप डीएलएड की अलग बात कर दीजिए और बीएड की चाहे तो अलग बात कर सकते हैं, अगर दोनों को कंबाइन करना चाहें तो दोनों को कंबाइन कर लीजिए। हाँ, तो डीएलएड में जैसे आप जा रहे हैं तो पहले बात तो आप इंटरव्यू के लिए लाइट कलर के क्लॉथ को चूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा, वो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को दिखाएगा। और डार्क कलर एक्चुअली में निगेटिव थोड़े से माने जाते हैं, बट आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ जा रहे हैं तो आपको लाइट कलर का चूज करना चाहिए। और फिर इसके बाद जब जाएँ तो थोड़ा सा ये सोच के ना जाएँ कि अंदर क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ और इस हिसाब से जाए कि बस आपको अच्छा सा इंटरव्यू देना है। और उस पर यह है कि आपने क्योंकि पढ़ रखा है तो आपको नर्वस नहीं होना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। वो आपको ऐसे ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे कि आप की जो नर्वसनेस है वो खत्म हो जाएगी, बस आपको उनके क्वेश्चंस को सही तरीके से सुनना है और अच्छे से आंसर करना है। चलिए, ये और आपने अगर काफी, बीएड की बात जी, बीएड की बात आप कर रहे हैं। हाँ, अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड में जब जाएं तो ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा पैडागॉजी कमांड हो जाएगा ना तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाएगा, क्योंकि वो बस आपके इंट्रोडक्शन और पैडागॉजी के दो चार क्वेश्चन से आपको जज कर लेते हैं वहाँ पे। तो इससे बेटर यही होगा कि हमारा थोड़ा सा पैडागॉजी कमांड हो जाएगा तो हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाएगा और मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं इस पे जो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज और मैं आपको दोस्तों बताता चलूं लास्ट में वीडियो के, कि जब आप अपने पेयर्स, अगर पेयर्स में बुलाया जाएगा तो पेयर्स में जो आपके साथ ही जा रहे हैं तो वो आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होंगे। जैसे आपका फिजिक्स है तो वो आपके फिजिक्स से ही होंगे, अगर मैथ्स है तो मैथ्स से बिल्कुल रिलेटेड होंगे, या कोई और सब्जेक्ट है तो वो उसी सब्जेक्ट से आपके होंगे। तो उनके क्वेश्चन को भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनके क्वेश्चन अगर वो आंसर नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन सीधा आपके ऊपर पास आता है, और अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं सुना होगा तो फिर आप आंसर नहीं करेंगे, और फिर आप वहां पर दोबारा से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या पूछा गया सर या क्या पूछा गया मैम। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मार्क्स के, इंटरव्यू के मार्क्स पर डेफिनेटली जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर जो ले रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, ले रही है, वो आपकी ये क्वालिटी को भी जज करेगा कि आप सुनने में, यानी कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी है। सिर्फ आप अपना क्वेश्चन सुन रहे हैं या दूसरे का भी सुन रहे हैं, दूसरे का पर्सपेक्टिव भी आप देख रहे हैं या सिर्फ अपना ही पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। तो टीचर का काम यही है, लिसनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अगर आप क्वेश्चन को एक ही बार सुनते हैं और आप आंसर कर देते हैं, अपना क्वेश्चन तो सुन ही रहे हैं, अगर जो आपके पेयर्स में जो आपके साथी जा रहे हैं
तो उनका क्वेश्चन भी आपको ध्यान से सुनना है, और उनका क्वेश्चन सुनने के बाद तुरंत उसका आंसर आपको अपने मन में बना लेना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उससे आंसर नहीं किया जाए, हो सकता है वो गलत आंसर कर दे, तब वो क्वेश्चन आपके ऊपर आएगा, सीधा पास होकर आएगा, और आपको वो सीधा तुरंत आंसर करना होगा, चाहे तो कुछ सेकंड्स आप वहां पे ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, और ये काफी जी हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। और एक चीज और, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप, क्योंकि इंटरव्यू लिस्ट में आपकी एक सीक्वेंस आती है, सीक्वेंस आता है, आपको रोल नंबर आता है और आपका नाम तो होता ही है, नाम नहीं होता, रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन आईडी और आपका सीक्वेंस। तो आपको आपका एप्लीकेशन आईडी भी याद होना चाहिए, आपको रोल नंबर भी याद होना चाहिए, और आपका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप जाएंगे इंटरव्यू में तो वहां पर एक लिस्ट रखी होती है, कि वो लिस्ट में आपको अपना प्रेजेंट वहां पर शो करना होता है, आपको साइन करने होते हैं। तो मैम वहां पर या सर वहां पर जो होंगे वो सीधा कहेंगे कि ये आपके सामने लिस्ट रखी हुई है, इस पर आप साइन कर दें। अगर आप एडमिट कार्ड में चेक करके अपना रोल नंबर वहां पे फिर देखेंगे कि कौन से पेज में मेरा रोल नंबर आ रहा है, तो फिर आपका वो भी नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा और उसके भी मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको अपना सीरियल नंबर, आपका रोल नंबर और आपका एप्लीकेशन आईडी, तीनों आपको चीजें याद होनी चाहिए, जिससे आप जाएं तो आप एटलीस्ट वहां जाकर डायरेक्टली साइन कर दें विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जी पॉइंट्स थे जो मैंने और अरबाज खान ने अपने इंटरव्यू में शेयर किए, और मैंने भी अपने कुछ एडअप करके आपको बताया। तो इसीलिए दोस्तों, आपको अगर कुछ और रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अरबाज खान का हम हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए और टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और आपकी तरफ से भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को यहाँ पे हमारे सामने शेयर कराया, और आपको जिससे काफी हेल्प मिलेगी। आने वाली और वीडियोस में हम अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड और इंटरव्यूज अपलोड करेंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।